व्लॉग्स एंड किचन की तरफ से सलाम और आदाब। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? मेरे भाई उमरे को जा रहे थे, भाई की पूरी फैमिली, तो हमने उनको घर पे दावत दी थी, तो उसी में मैंने थोड़ा सा पकवान कर रही थी, तो आप लोगों के साथ वही पकवान शेयर कर रही हूँ। पहले रेसिपी क्या है मेरी, बिरयानी है, चिकन बिरयानी। तो उसके लिए मैंने 2 किलो चिकन ली हूँ। मैं मेरे घर के और मेरे भाई की फैमिली के मिला के 15 लोगों की दावत है, तो उसी में मैं 600 ग्राम दही डालूंगी 2 किलो चिकन में। और ये बिरयानी मसाला है, ये भी इसी में शामिल करूंगी। मिर्ची पाउडर डालेंगे हम, मैं मेरे मर्जी मार्कर डाल रही हूँ, आप आपके हिसाब से डालिए। और नमक डालूंगी, मैं चिकन के हिसाब से डाल रही हूँ। अदरक लहसुन डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। मैं ये सब वो तैयारी में डेनेट कर रही हूँ। अब बाकी के जो भी माल मसाले जो भी रहेंगे वो मैं सुबह उठ के उसको पूरा मैं कंप्लीट करूंगी। होममेड गरम मसाला पाउडर डालूंगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मैं थोड़े से हरी मिर्ची का पेस्ट डालूंगी पिसा हुआ। मेरे को जितने स्पाइसी होना है उतना ही डालूंगी। अब हम इसको पूरा मिक्स करेंगे। मैं अपने को मिक्स करी हूँ, चिकन को पूरे मसाले लगा के रेडी हो चुका है। उसी में मैं ये सूखे मसाले डालूंगी, पूरा इलायची, शाहजीरा, पत्ता, लौंग, है सब ये पूरे मसाले इसी में शामिल करूंगी। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी मिक्स करके। सुबह उठने के बाद मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अपने को मैं डे नाइट मसाले लगा के रखी थी, तो सुबह हो चुकी है और मेरे दावत का प्रिपरेशन शुरू हो चुका है। अब इसी में मैं ये तली हुई प्याज डालूंगी। और ये जो छोटी मेथी रहती वो भी इसी में शामिल करेंगे हमारे टेस्ट को बढ़ाने के लिए। और मैंने जो प्याज तल के रखी थी वो तेल इसी में शामिल करूंगी। अब पूरे ये मसाले मैं मिक्स करके बड़े भगोने में ट्रांसफर कर दूंगी, क्योंकि हमको जिसमें हम दम देना है उसी में मैं अखनी मिलाऊंगी। और अखनी में मैं थोड़ा सा ये असली घी मिलाऊंगी। अब हम इसको मिक्स करके भगोने में ट्रांसफर कर देंगे। पूरे मिर्ची नमक सब बराबर है मेरे हिसाब से। अब मैं इसको ढाप के रखूंगी। मैं 2 किलो चावल डाल रही थी, 2 किलो चिकन को 2 किलो चावल है। मैं अखनी को भगोने में ट्रांसफर करी हूँ और इसी में मैं नींबू का रस डालूंगी मेरे अंदाजे से। अखनी में मैं दूध मिला रही थी। हम मिक्स करेंगे। दूध मिल चुका है और मिक्स भी हो चुका है। अब हम चावल पकने के बाद जब दम देंगे। हमारे बिरयानी का अदन पक रहा है, ये चावल डाल रही थी। डाल दी हूँ, जब हम दम देंगे तो जब मैं आपको बताऊंगी। चलिए हमारा चावल पक चुका है,
बिरयानी दम दे रही थी मैं। चावल डाल चुकी हूँ पूरे, अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा मसाला डालूंगी और इसको दम दूंगी। चलिए अब हम दम देते हैं। मैं बिरयानी के बाद खिचड़ा बना रही थी, मटन का खिचड़ा, तो उसके लिए मैंने गेहूँ ली हूँ, तो मैं इसको डे नाइट भीगने के लिए रखूंगी। मैं हिसाब से लूंगी, मैं ये चम्मच से 2 चम्मच भर के गेहूं लूंगी। अब मैं उसके बाद दूसरे कटोरे में आधे से बढ़ के थोड़ा सा ज्यादा ये मसूर की दाल लूंगी। और थोड़ी सी चने की दाल लूंगी, 1 चम्मच, और सेम क्वांटिटी में तुअर डाल लूंगी। मांस की दाल मैं ज्यादा लूंगी, मेरी इतनी क्वांटिटी में लूंगी। ये बासमती चावल है, मैं इसी में वो दाल के साथ इसको भी शामिल कर दूंगी। अब चलिए अब हम इसमें 2 पानी से अच्छी साफ तरीके से धो लेंगे हम। जब पानी पूरा अच्छा साफ हो जाएगा तो मैं नल के पानी से मैं इसको भर के रखूंगी। गेहूं को और ये पूरे दालों को पानी से अच्छी तरीके से धो ली हूँ मैं, धो के साफ पानी में रखी हूँ। अब मैं डे नाइट इसको रखूंगी और सुबह आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। खिचड़े के मसाले, सूखे मसाले मैं रेडी कर रही थी, उसमें मैं थोड़े से लौंग ली हूँ और थोड़ा सा ये डालते गुलाब के फूल के सूखे पत्तियां ली हूँ। मैं रेडीमेड पैकेट ली थी, मैं घूमने के लिए गई थी यूटी, तो वहां से मसाले लाई हूँ, थोड़े बहुत ओरिजिनल मसाले रहते हैं वहां पर। मैं खिचड़े में डालूंगी ये सब मसाले। ये भी हम इसको थोड़ा मोटा सा कुचल के डालेंगे। चार इलायचियां डालेंगे हम इसमें। मैं सौंफ लेंगे इसको, ये भी डालूंगी थोड़ा सा मोटा मोटा, इसको भी करके थोड़ा, ये पत्थर का फूल है वो भी इसी में शामिल करूंगी और इसको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा कुचल दूंगी।
मैं खिचड़ी के लिए गोश्त डाली थी उसी में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। हम इसको जरा सा थोड़ा सा कलर बदलने पर हम इसको भूनेंगे। मैं इसी में हल्दी डालूंगी। नमक डालेंगे। ये धनिया पाउडर डालूंगी मैं 2 चम्मच। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे होममेड। एक चम्मच भर के काली मिर्ची डालेंगे इसे ही। दो मिनट रखेंगे हम उसको। हमारा गोश्त का कलर बदल गया है और बहुत अच्छा कलर छूटा है। इसी के अंदर जो मैंने खिचड़ी का जो मसाला बताई थी वो इसी में मैं शामिल करूंगी। और ये साबुत काली मिर्ची है वो भी इसी में शामिल करूंगी। मसाले पूरे मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर हरा मसाला डालूंगी, हरी मिर्चियां डालूंगी ज्यादा। इसको भी मिक्स करेंगे। पूरे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसी में मैं पानी डालूंगी और जो हम डे नाइट गेहूं को भिगा के रखे थे वो भी इसी में शामिल करेंगे। हम जो दाले डेनट ये भी भिगा के रखे थे वो भी इसी में शामिल करेंगे। मेरा कुकर थोड़ा फुल हो गया है। मैं इसको बारीक आंच पे 1/2 घंटे के लिए रखूंगी क्योंकि हमारे गेहूं भी गलना है। पानी भी डाल चुकी हूँ मैं 2 गिलास भर के। अब मैं इसको सीटी लगा के बारीक पे रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए। मैं भूल जाऊंगी इसको रख के। हम जो खिचड़े के सब आइटम्स हम जो गलने के लिए छोड़े थे वो गल चुके हैं पूरे। गोश्त भी गल चुका है, एक अच्छा मिक्स हो गया है। पूरी दालें और वो सब जो गेहूं डाले थे हम वो भी देखिए आप लोग पूरे अच्छे से गल गए हैं। अब इसको हम मशीन से हम इसको पीस लेंगे।
खिचड़ा पूरा मिक्स हो गया है। मैं थोड़ा दाल घोटने से भी मार ऐसा मार रही थी थोड़ा। बहुत मजेदार, इतनी खुशबू आ रही बहनों मेरे। देखिए आप, बाजार जैसे दिख रही है पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी एक दफा ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। मैं इतना कुछ नहीं मिला ही मेरे व्यूअर्स, मैं जो बताई थी मसाले वही मसाले हैं। थोड़ा सा इसमें नमक लगता, मेरे को जब सर्व करना, जब गरम करना रहता, मैं पकाते वक्त पे जब मिलाऊंगी पूरे। चलिए, हमारी हलीम रेडी हो चुकी है, अब इसके बाद की रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। मैं हलीम का खोरमा बगा रही थी। हम तेल गरम होने देंगे। घी डालेंगे, हमारा घी और तेल गरम हो चुका है। इसी में मैं तली हुई प्याज डालूंगी थोड़े से, तो सॉटे करेंगे। हमारी प्याज सॉटे हो चुकी है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। नमक डालूंगी। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे। थोड़ा अदरक लहसुन डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम मिर्ची की बो जाने तक हम ये कोरमे को पकाएंगे। हमारे कोरमे में से मिर्ची की बो जा चुकी है और अच्छी तरीके से पक भी रहा है, और हरे मसाले की खुशबू भी अच्छी आ रही है। मैं चूल्हा बंद करूंगी और यही कोरमा मैं हलीम हमारे खिचड़े पे डालूंगी। और नींबू का रस डालूंगी मैं थोड़ा। तली हुई प्याज डालेंगे। थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। पूरी बाजार जैसी हुई है मेरे व्यूअर्स, देख सकते आप लोग भी। जब मेरे भाई लोग आएंगे, सब भाई भावा बच्चे सब, तो जब मैं इसको गरम के लिए रखूंगी,
बाकी मिर्ची नमक सब बराबर है मेरे हिसाब से। चलिए अब हमारे खिचड़े का आइटम पूरा हो चुका है, कंप्लीट बन गया हमारा खिचड़ा। अब हम चलते हैं हमारे पूरियों की तरफ। मैं पूरियों का आटा मशीन में गूंद रही थी, आटा डाली हूँ मैं, उसी में नमक शामिल करूंगी, थोड़ा सा सोडा शामिल करूंगी। यही आटे में मैं रोल बनाऊंगी और रोटी पराठे बनाऊंगी। अंडा डालूंगी, घी डालेंगे, तेल डालेंगे, अब हम इसको भूनेंगे। गया है, अब मैं इसको निकालूंगी। अच्छी मालिश हो गई है, हाथों से मेहनत करने की जरूरत नहीं है बहनों। देखिए आप लोग, अच्छा मुलायम बना आ गया है। चलिए अब हम पूरियां बेलने की तरफ चलते हैं। आटा हमारा गूंद चुका है, पूरा रेडी कर दिया हूँ मैं। अब इसको एक घंटे के लिए हम सीखने के लिए रखेंगे। मालिश तो बहुत अच्छी हुई है मशीन में, मेरे को करने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग मैं बता सकती हूँ। देखिए आप लोग, जबरदस्त हो गई है मालिश तो। चलिए अब हम मिलते हैं एक घंटे के बाद। मैं चिकन के रोल बना रही थी, तो चिकन को मैं मिर्ची नमक हल्दी अदरक लहसुन थोड़ा सा कलर मिलाई हूँ, मिला के रखी थी, ये आप लोगों को बताना भूल गई हूँ मैं। तो मैं इसको पैन में मैं इस तरफ हो गया है हमारा चिकन, तो मैं उसको तरी कर रही थी ना। मैं दम पूरे हो गए हैं, मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखूंगी। हमारे दो तरफ से चिकन हो गया है, इसमें मैं पानी शामिल करूंगी क्योंकि हमारे चिकन को गलाना है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे ढाक के 10 मिनट के लिए रखूंगी क्योंकि चिकन को हम गलने के लिए छोड़ना है। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। हम जो रोल के चिकन रखे थे वो भी कंप्लीट हो गया है,
पूरा पानी भी सूख चुका है और चिकन भी गल चुका है, देख सकते हैं आप लोग पूरा गल गया है। मैं इसको ठंडा करके अच्छे से इसके पूरे धसिया निकाल लूंगी, छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी। जो रोल का चिकन बाल पकाई थी वो पूरे धसिया में निकाली हूँ, पूरे पीसेस कर ली हूँ। उसी के अंदर मैं ये छोटी बारीक कटी हुई अंडे की प्याज डालूंगी और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालूंगी। थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे हम, कोथमीर पुदीना। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालेंगे इसी में। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसी में हम। अब हम इसको मिक्स करेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं रोल। खोपरा खुरप के रखी थी, 1.5 किलो से भर के खोपरा है ये। अब मैं इसमें शक्कर शामिल करूंगी। इसी में इलायची पाउडर शामिल करेंगे, इसमें हम मिक्स करेंगे इसको। अब मैं इसके मगजियां तल के डालूंगी इसमें। चलिए अब हम चलते हैं तलने की तरफ। वो चोवे के मगजियां तल रही थी, ये मैं तलूंगी। हमारा घी पिघल चुका है, उसी में मैं काजू बादाम काट के रखी थी। मैं बादामी होने तक इसको तलूंगी। हमारे काजू बादाम लाल हो, कलर बदल रहा है हमारा। अब मैं ये चूल्हा बंद करूंगी और जो हम खोपरा या रेडी करके रखे हैं उसी में मैं थोड़ा सा ये चोखा मिलाऊंगी। चिरंजी डालेंगे हम इसमें, चिरंजी और किशमिश है। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं। हमारा चोबा रेडी हो गया है। अब हम इसको एक साइड हटा के रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे की रेसिपी की तरफ। मैंने आटा जो गूंथ के रखी थी मैदा,
इसको किनारों से पानी लगाएंगे। हम जो चिकन बना के रखे थे वो चिकन इसी में शामिल करूंगी। मैं पूरे ऐसी तरीके से पूरे बना लूंगी। चलिए हम पूरियां बनाना स्टार्ट करी हूं। मैं इसके पेड़े बना रही थी। मैं ऐसे पूरे पेड़े बना दू। मैं पूरियां बना रही हूं, साइडों से पानी लगाऊंगी। गोल पूरी बना रही हूं। मैं चोबा डालूंगी। फोल्ड करी हूं मैं। हमारी नेक्स्ट पूरी भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं पूरे पूरियां बना के तल तख्त पे बता। हमारा तेल गरम हो चुका है। मैं पूरियां तल रही थी।
हमारे पूरियां हो गए हैं, बादामी कलर के हो रहे हैं। मिनट हो गए हैं, अब मैं ये रोल तल रही थी। हमारे रोल कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं पूरे ऐसे ही तल लूंगी। मैं रोल्स को कट कर रही थी डिशॉर्ट करने के लिए। मैं चोवे की पूरियां और उसके साथ चावल की खीर बना रही थी। उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध चूल्हे पे चढ़ाई हूँ। हमारा दूध गर्म होना है जब तक हम इसके चावल वो पीसते हैं। मैं वो खीर के लिए ये काजू ली हूँ, मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। और ये चावल ली हूँ मैं, इसको मैं 1 घंटा भीगने रखी थी। अब ये काजू पीस के उसके साथ ये चावल पीसूंगी और उसी के अंदर मैं ये 1.25 किलो खोवा ली हूँ, ये भी इसी में शामिल करके पूरा मिला के एक मोटा मोटा सा पेस्ट बना लूंगी। हमारा दूध गर्म हो गया है, उबाल आ चुका है दूध में और मलाई भी जम चुकी है। अब हम जो पाउडर बना के रखे थे, पेस्ट, चावल, खोवा और काजू, वो तीनों को हम मैंने मिला के पीस ली हूँ, वो इसी में मैं शामिल करूंगी। अब हम इसको एक साथ मिलाएंगे क्योंकि हमारा चावल है, कहीं लुंडे ना बन जाए। मैं इसको 5 मिनट तक मिक्स करूंगी। हमारा चावल का आटा मिक्स हो गया है, खोवे के थोड़े से लुंडे हैं वो भी इंशाल्लाह पिघल जाएंगे। अब इसी में मैं अब क्या करूंगी, शक्कर मिलाऊंगी। मैं मेरे अंदाजे से डाल रही हूँ व्यूअर्स मेरे, आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे शोहर के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह मुझको भी मदीने की जियारत करा दे, अल्लाह के घर का दीदार करा दे। और मेरी सेहत के लिए आप लोग भी दुआ कीजिए क्योंकि मेरी सेहत सही नहीं रह रही। अब मैं इसके अंदर इलायची का पाउडर मिलाऊंगी। अब हम इसको करीब 5 मिनट पकने के लिए छोड़ेंगे।
हमारी खीर रेडी हो गई है। इसी में मैं थोड़े से मगजियात डालूंगी, काजू बादाम। शक्कर चकली हूँ मैं, शक्कर बराबर है क्योंकि हमारे पूरियों के साथ भी टेस्ट करना है। हमारी खीर भी कंप्लीट हो गई है। इसी में मैं थोड़ा सा असली घी डालूंगी, 2 चम्मच। मैं इसको ठंडे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। हमारी खीर कंप्लीट हो गई है। काली मिर्ची का चिकन बना रही थी मैं, लास्ट रेसिपी है। इसी में मैं ये जीरा डालूंगी, 4 लौंग डालूंगी। इसको सॉटे करेंगे। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। अब हम ये प्याज को नरम होने तक भूनेंगे। नरम हो चुकी है। अब मैं 1.5 किलो चिकन लेती है के ऊपर ही है, इसी में मैं शामिल करूंगी। मैं भगोना चेंज कर रही हूँ, चिकन पूरा नहीं आ रहा था उसमें, इसीलिए मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। नमक डालेंगे। अदरक लहसुन डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम ढाप के रखेंगे। चिकन का कलर बदल चुका है और पानी भी छूट चुका है चिकन का। अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालूंगी। काली मिर्ची पाउडर डालूंगी। धनिया पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसी में मैं दही डालूंगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमारा पानी सूखने तक और चिकन गलने तक इसको फुल फ्लेम पे रखेंगे। चिकन का पानी सूख चुका है, मेरे को थोड़ा ग्रेवी के वैसा होना है इसलिए मैं थोड़ा सा बारीक आंच पे रखी हूँ। और नमक मिर्ची सब बराबर है। मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी इसी में हमारे टेस्ट को खोलने के लिए। थोड़े काजू डालूंगी।
थोड़ा सा कोथमीर पुदीना डालेंगे, हरी मिर्ची है पूरा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें क्रीम डालूंगी। एक 10 मिनट के लिए मैं इसको ढाप के रखूंगी। मैं पूरा पब्लिक ये बनाए देखो कैसा दिख रहा, बोलो आप लोगों के वास्ते। ये लाइट लगाया भाई, देखो ये बना कैसा लगा है। अब वो लगा है हमारे, आप लोगों के वास्ते कर रहे पब्लिक, आप लोगों को अच्छा दिखना बोल के। देखो टाइल्स कैसा लगा है, ये भी ये बनाए आप लोगों के वास्ते। ये आप लोग भी बोलो कैसा दिख रहा है कमेंट्स में, जरा थोड़ी तारीफ कर दो बस तेज हम लोग के वास्ते। तो चलो अम्मी शुरू करो, आपके चीज क्या क्या है बोलो। हमारा चिकन का सालन रेडी होगा है काली मिर्ची का। मैं इसको एक 10 मिनट के लिए रखूंगी। थोड़ा अभी क्रीम डाले हैं हम। अब टेस्ट तो बराबर है मिर्ची नमक सब। किरा के पब्लिक में छका मैं छका देखो जबरदस्त। आहा चलिए अब हम डिश आउट करते वक्त मिलते हैं।